हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट अ बर्निंग क्वेश्चन। तो वो है कि कैसे हम अपनी सेल्फ स्टडीज के लिए टाइम निकाले। आई नो ऑल द स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग विद सेल्फ स्टडीज करें या ट्यूशन पे टाइम दे। ट्यूशन या कोचिंग पे इतना सारा टाइम चला जाता है कि वी आर लेफ्ट विद नो टाइम टू डू सेल्फ स्टडीज। एंड अगर हम सेल्फ स्टडीज नहीं करेंगे तो कैसे मार्क्स आएंगे, राइट? इफ यू आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद दिस क्वेश्चन देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, बिकॉज इस वीडियो को हमने डिवाइड किया है 4 पार्ट्स के अंदर। पार्ट 1 ऑफ द वीडियो विल टॉक अबाउट हाउ टू मैनेज सेल्फ स्टडीज एंड पार्ट 2 ऑफ द वीडियो विल टॉक अबाउट द टाइम टेबल। एंड इसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ मिस्टेक्स जो हम करते हैं व्हाइल वी आर डूइंग द सेल्फ स्टडीज। पार्ट 3 ऑफ द वीडियो विल टॉक अबाउट द हैक्स टू डू सेल्फ स्टडीज एंड पार्ट 4 ऑफ द वीडियो विल टॉक अबाउट अगर हमारे एग्जाम्स को 1 वीक रह गया है देन हाउ टू डू सेल्फ स्टडीज। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो क्विकली एंड सी कि कैसे इस प्रॉब्लम को हैंडल करा जाए। Let's begin. और बात करते हैं कि कैसे हम हैंडल करें सेल्फ स्टडीज एंड ट्यूशंस। तो अगर आप भी एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम के साथ फेस कर रहे हो कि पूरा दिन आपका इधर गोज टू स्कूल और स्कूल के बाद 4 to 5 hours कोचिंग एंड देन यू डू नॉट हैव एनी टाइम फॉर सेल्फ स्टडीज, तो कैसे पढ़ाई करें? नंबर 1 इज योर पर्सनैलिटी। इसके अंदर आपको अपने आप को टेस्ट करना है एंड आपको ये देखना है कि क्या अगर आपको कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट टॉपिक दिया जाता है तो क्या आप उसे विदाउट डिस्ट्रैक्शन प्रॉपरली कंप्लीट कर पाते हैं और यू फील टू लेजी टू कंप्लीट इट बिकॉज इट इज डिफिकल्ट। अगर ऐसा केस है देन यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर अ ट्यूशन और अ कोचिंग क्लास जिससे आप सपोर्ट स्टडी कर पाएंगे। दैट मीन्स अगर आप किसी चीज में स्टक हो रहे हैं देन द टीचर इज देयर टू हेल्प यू आउट। ऑन द अदर हैंड अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे स्कूल में पढ़ाई करके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है एंड ऑल यू नीड इज टू प्रैक्टिस देन यू डोंट नीड कोचिंग। नंबर 2, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने टाइम टेबल को पूरा देखें और उसके अंदर से सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें कि आप कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं कोचिंग के लिए, ओके? एंड अगर इस टाइम के बाद आपके पास सेल्फ स्टडीज के लिए टाइम नहीं है दैट मीन्स यू नीड टू कट डाउन ऑन द कोचिंग। येस यू हर्ड मी राइट, अगर आप 3 subjects की कर रहे हैं सो मेक इट 2 subjects। अगर आप 2 subjects की कर रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है, यू वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन कम्यूटिंग, डू इट फॉर 1 subject, ओके? बट सेल्फ स्टडीज के लिए टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर 3, ट्राई आउट मेकिंग द थीम टाइम टेबल। नाउ व्हाट इज थीम टाइम टेबल? थीम टाइम टेबल इज बेसिकली कि अगर आप मंडे वेंसडे फ्राइडे एक सब्जेक्ट की कोचिंग के लिए जा रहे हैं सो ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे आप दूसरे सब्जेक्ट की कोचिंग के लिए जा सकते हैं। सो ऐसा करके यू आर लेफ्ट विद मोर टाइम इन हैंड रादर दैन एवरी सिंगल डे आप एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। लाइक 5 days इन अ वीक आप 2 subjects की कोचिंग के लिए जा रहे हैं या 3 subjects की कोचिंग के लिए जा रहे हैं, यू शुड ऑप्ट फॉर द थीम्ड मेथड। ऑलराइट, नाउ ये तो हुआ कि हम कैसे बैलेंस करें टाइम को एंड इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ अ टाइम टेबल। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी एक नॉर्मल स्टूडेंट एक टाइम टेबल कैसे बनाता है। सो लेट्स बिगिन, वी गेट अप एट 6 or 6:30, हमारा स्कूल होता है 8 o'clock, सो वी क्विकली गेट रेडी एंड वी लीव फॉर द स्कूल। नंबर 1। नंबर 2, हम स्कूल से वापस आते हैं देन वी आर सो टायर्ड कि हम 2-3 hours, वी गिव आर सेल्फ 1 or 2 hours, वी जस्ट चिट चैट एंड वॉच TV एंड उसके बाद क्विकली हम अपनी कोचिंग्स के लिए जाते हैं। कोचिंग से वापस आते हैं 6 o'clock तक, 6 o'clock के बाद वी हैव सम स्नैक्स और समथिंग एंड वी गो आउट टू प्ले और समथिंग एंड देन वी कम आउट एंड उसके बाद हम अपना होमवर्क करते हैं और थोड़ा अगर टाइम मिल जाए तो सेल्फ स्टडी करते हैं एंड देन वी गो ऑफ टू स्लीप, इजंट इट? तो इसके अंदर हमने सेल्फ स्टडीज के लिए हमारे पास हार्डली 1 hour है, राइट? बट अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम कैसे टाइम निकालेंगे सेल्फ स्टडीज के लिए। सो लेट्स बिगिन एंड डिजाइन अ टाइम टेबल जिसके अंदर हम सेल्फ स्टडी के लिए स्लॉट निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दैट हमारे पूरे दिन के अंदर 24 hours हैं। 24 hours के अंदर से अगर हम 6 to 7 hours निकाल देते हैं फॉर स्लीपिंग, वी लेफ्ट विथ 17 hours। 17 hours के अंदर से इफ़ आई टेक आउट 6 hours फॉर स्कूल दैट मीन्स वी लेफ्ट विथ 11 hours। 11 hours के बाद आई टेक आउट 3 to 4 hours फॉर योर ट्यूशन, सो वी लेफ्ट विथ 7 hours। 7 hours के अंदर आई विल टेक आउट 3 hours फॉर इन्जॉयमेंट, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ऑलराइट, वी आर स्टिल लेफ्ट विथ 4 hours। ये 4 hours
हम स्पेंड करेंगे सेल्फ स्टडीज पे. अब द क्वेश्चन अराइज़ ये 4 आवर्स आए कहाँ और ये 4 आवर्स को हम कैसे निकालें. लेट्स सी कि कैसे हम डिज़ाइन करेंगे अपना टाइम टेबल और कौन कौन से ऐसे स्टडी स्लॉट्स को हम स्मार्टली कैप्चर करेंगे जिसमें हम अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं. सो नाउ यू हैव टू गेट अप एट 5 in the morning इंस्टेड ऑफ गेटिंग अप एट 6:30. ओके, नाउ 5 to 6:30 हम लोग स्टडी करेंगे अपना पहला स्टडी सेशन. ऑलराइट, इस टाइम पे 1-1.5 आवर यू विल स्टडी बिफोर यू गो टू स्कूल. नाउ व्हेन यू विल कम बैक फ्रॉम स्कूल, आई एम अज्यूमिंग यू बैक बाय 2, इस टाइम पे यू विल हैव योर लंच एंड हैव योर अनदर स्टडी सेशन विच विल बी फ्रॉम 3 to 4. ओके, एंड 4 to 5 इज 1 आवर ऑफ नैप दैट यू विल टेक बिकॉज मॉर्निंग में यू गॉट अप अर्ली, तो आप 1 आवर का नैप लेंगे. एंड नाउ यू विल बिगिन विद ऑल योर ट्यूशंस. ऑलराइट, एंड नाउ व्हेन यू आर बैक फ्रॉम योर ट्यूशंस, now you will go out and play from 6 to 7, and now after that when you are at home from 7 to 9 is a good slot jo aap padhai ke andar invest kar sakte hain. So aisa karke hum at least 3 slots of 1 hour or 1.5 hour nikal sakte hain bahut easily even if we are going for our coachings, right? So try this out and this will definitely save you a lot of time to do your self studies, right? Now let's move on to the third part of the video, which is ki what are the hacks to do self studies. सेल्फ स्टडीज़ करने का फर्स्ट तरीका इज टू मेंटेन कंसिस्टेंसी. हमारा माइंड हमें बिल्कुल हमेशा रेजिस्ट करेगा सेल्फ स्टडी करने के लिए. उसे लगेगा कि इतना बोरिंग काम क्यों करना है, बट आप अपने माइंड को कन्विंस करने के लिए आपको मेंटेन करनी है कंसिस्टेंसी, और वो आप कर सकते हैं बाय स्टडिंग एट द सेम टाइम एवरी सिंगल डे. सब्जेक्ट्स में चेंज, बट आपको सेम टाइम पे स्टडी करना है जिससे आपके माइंड की फिक्शन कम हो जाएगी. द रेजिस्टेंस ऑफ योर माइंड विल डिक्रीज फॉर श्योर. नंबर सेकेंड हैक इज एक दिन के अंदर आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी नहीं करना है. कि आपको ऐसे नहीं करना कि इंटायर डे यू स्टडिंग जस्ट इंग्लिश, इंटायर डे यू जस्ट डूइंग सोशल साइंस. नो, आपको करना है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सब्जेक्ट जिसमें से एक प्रैक्टिकल एंड एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट होना चाहिए. ऑलराइट, नाउ the third hack is review. It is so important to review what you have studied. Agar aapne review nahi kiya, by the end of the day jo bhi aapne padhai kiya hai use next time when you will study that subject aap uske andar se half of it bhul chuke honge. Alright, so it is very important ki next time aap utna zyada time na spend kare again same subject pe. It's so important ki aap use review kare. So what all you have to review, number 1, school se aane ke baad ek baar aap apne notes dekhe, तो आपने अपने स्कूल के काम को रिव्यू किया. नंबर 2, अगर आप ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन से आने के बाद आप अपने ट्यूशन के नोट्स देखेंगे या आपने क्या किया है उसमें वो देखेंगे. नंबर 3, जो आपने सेल्फ स्टडी की है आज उसको भी आप रिव्यू करेंगे एक बार. ये 3 चीज़ों को आप रिव्यू करेंगे एवरी सिंगल डे. आई नो अभी ये बहुत टफ साउंड कर रहा होगा, वंस इट कम्स टू योर हैबिट it will be very easy and will be very very fruitful for you. Now let's move on to the next hack, and that is recency and primacy effect. Now according to a research, जब हम पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं अपने स्टडी सेशन के अंदर, तो हमें जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है और जो एंड में पढ़ा है वो हमेशा याद रहता है, और जो बीच में पढ़ा है वो हम हमेशा भूल जाते हैं. तो अगर आपका 1 घंटे का स्टडी सेशन है, स्टार्टिंग में आप बहुत इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है उसे पढ़ें, बीच में आप उसी पार्ट को रिवाइज करें, एंड बाय द एंड ऑफ द सेशन दैट इज एंड के 10 to 15 मिनट्स में आप एक नया पार्ट पढ़ें. राइट, ऐसा करने से आप पूरे 1 आवर के स्लॉट का भी मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं. Another important hack is study versus the revision time. तो आपके स्कोर डिपेंड करते हैं नॉट ऑन कि आपने कितनी ज़्यादा स्टडी करी है, ऑन द अदर हैंड कि आपने रिविजन कितने अच्छे से करी है. अगर आप रिविजन को टाइम देंगे 60% एंड स्टडिंग को टाइम देंगे 40% जब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, then you will hit the bullseye. Now quickly let's discuss कि अगर आपके एग्जाम को 1 वीक रह गया है तो आपको सेल्फ स्टडीज़ कैसे करनी है.
नंबर वन, सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल बनाना है एंड यू हैव टू स्टिक बाय दैट टाइम टेबल. नंबर सेकंड कि आप 40% टाइम देना है लर्निंग में, 60% टाइम देना है इन रिविजन. व्हेन आई से 60%, 60% इज बेसिकली 30% ऑफ रिवाइजिंग एंड 30% ऑफ टेस्टिंग योर सेल्फ. ऐसे आप टाइम को एलोकेट करेंगे. नंबर थर्ड, अगर 1 week रह गया है आपके एग्जाम को, सो इट इज सो इम्पॉर्टेंट कि आप एवरी सिंगल डे जिस चीज का एग्जाम है उसे पढ़ेंगे अलॉन्ग विद अनदर सब्जेक्ट. Don't just study one subject, study it with another subject, okay? And by the end, that is, जब आपके 2 या 3 दिन रह गए, then just study one subject जिसका exam आने वाला है. Hack 4 is keep testing yourself every single day. ओके एंड ट्राई टू मेक अ मिस्टेक बुकलेट जिसमें आप लिखेंगे जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हैं व्हाइल यू आर स्टडिंग और टेस्टिंग योर सेल्फ. एंड इससे एक पैटर्न पता चल जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा वीक है एंड यू कैन इन्वेस्ट मोर टाइम इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. Alright, so that's it from my side. I hope कि इस सेल्फ स्टडी की वीडियो के अंदर आपके सारे questions को आंसर किया होगा मैंने. In case अभी भी कोई question रह गया है, so leave that in the comment section below and I'll make sure that I'll answer that question for all of you. Alright, so I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive and don't do any of these small little mistakes while you're doing your self studies. All the very best.